हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरे वाइटी की फैमिली? आई होप अच्छी होगी, खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जोहान नहीं थे ठीक ठाक, उनके अचानक से कान में दर्द होने लगा था। डॉक्टर को दिखाने गई थी मैं, बस वहीं से आने के बाद मैं लंच कर रही थी, नाश्ता भी नहीं किया था। तो यहाँ इडली है, सांभर वगैरह तो बना हुआ था पहले का, इडली बनी थी वो मम्मी ने बना ली थी, और वहीं मैं लंच खा रही हूँ। और सारे लोग ही खा रहे थे, लंच कर रहे थे मतलब। तो उनके कान में इन्फेक्शन बताया था, 2 दिन परेशान रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हैं। और यहाँ मैं आज मैंने बुला लिया था अपने भाई भाभी, इन लोगों को सबको, अम्मी को लेने आ रहे थे, तो सबको मैंने कहा आप लोग भी आ जाओ। और छोटा भाई वैसे भी बहुत कम आता है, तो मैंने कहा कि आप लोग भी आ जाइए सारे लोग। तो यहाँ बना रही हूँ बिरयानी, क्योंकि छोटे जो भाई है ना हमारे शाहनवाज़, उन्हें बिरयानी का बहुत शौक़ है, तो वो बहुत ज़्यादा शौक से बिरयानी खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बिरयानी खाऊँगा, तो मैंने कहा बिल्कुल आ जाओ, बना लूँगी बिरयानी, उसमें कोई मसला नहीं है। तो वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कोरमा जो है वो थोड़ा सा बना लिया था, क्योंकि होता है ना कि हम, जैसे मैं स्पेशली, मुझे इतना राइस पसंद नहीं है, ना बिरयानी ना कुछ, मतलब खा लेती हूँ बट इतना शौक से नहीं। तो मैंने थोड़ा सा सालन भी बना लिया कोरमा। तो कोरमे में मैंने कुछ नहीं, बस थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, मतलब ऑयल लिया है, ऑयल लेके अदरक लहसुन प्याज वगैरह डाली उसमें, और उसमें जो गोश्त था हमारा उसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद जो हमारा गोश्त अच्छा भुन गया, उसका पानी छोड़ दिया उसने, तो फिर हमने बाकी जो हमारे मसाले हैं वो डाले। हल्दी ज़्यादा डालूँगी, मिर्ची कम डालूँगी, क्योंकि अम्मी को मिर्ची लग रही थी अभी कुछ दिनों से। और मैं येलो कोरमा बना रही हूँ, जो शादियों में नहीं मिलता है हमें, जिसमें हल्दी ज़्यादा होती है, और हमारे पापा को ना इसमें का कोरमा बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं वही बना रही हूँ। और यहाँ पे जो है अम्मी को बिल्कुल सुकून नहीं है, उनकी आदत है काम करने की। जो लोग काम करने के आदी होते हैं ना, वो कहीं भी मतलब सुकून से चैन से बैठ नहीं पाते। तो मैं बराबर उन्हें मना कर रही थी, लेकिन वो बार बार मुझसे आके पूछ रही थी कुछ काम हो तो बताओ, मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। तो जो बर्तन निकलते जा रहे थे वो बराबर वो धोती जा रही थी कि ये परेशान हो जाएगी, बर्तन भी धोना है, काम भी करना है, सारी चीज़ें। तो वो मेरी हेल्प कर रही थी, वो मैं काम कर रही थी, तो इस तरह से वो मेरी बराबर हेल्प कर रही थी। यहाँ पे हमारा कोरमा जो है वो बन के रेडी हो गया था, बहुत ही मज़े का था, और सबको इतना पसंद आया ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सबको। जब सब लोग खुशी से खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो प्याज थी, खशखश और जो हमारा खोपरा होता है ना, वो हमने पीस लिया था, वो इस वक्त मैंने पीस के डाला हुआ है, फ्राई जो ऑनियन होती है, वो सारी चीज़ें इस टाइम पर डालो। तो ये कोरमा जो होता है ना, सब बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। मसाले वगैरह तो डाली दिए थे, कम ही डाले थे मैंने, और बहुत सौंधा सौंधा सा, बहुत ही मज़े का बना था, सबको बहुत अच्छा लगा था। और आपका उसका जो सालन है, देख के लग ही रहा होगा कि वाकई में इतना मज़े का लग रहा है। अच्छा ये बताओ कि ना, जब हम मायके वालों की दावत करते हैं तो ससुराल वाले जो हैं चिढ़ क्यों जाते हैं, जलसे क्यों जाते हैं, नाराज़ क्यों हो जाते हैं, ऐसा किस किस के साथ होता है? क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ कि वो लोग अक्सर जो है ना मायके वालों के, ससुराल वालों के साथ में दावत नहीं रखते। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमको इतनी ज़्यादा याद आ रही थी हमारी बाजी लोगों की, नंदों की हमारे, क्योंकि मैं हमेशा, अभी तो आप लोग, जब से मुझे न्यू ज्वाइन किया है, जो पुराने हैं उनको मालूम होगा, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको भी मालूम है कि मतलब हमारे कोई भी दावत ऐसी नहीं होती थी कि अलग अलग हो। हमेशा से अल्लाह का शुक्र है हमारे इतनी अच्छी, मतलब सब में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि साथ ही दावत रखी जाए। अगर आप मेरे लास्ट ईयर के व्लॉग देखेंगे, उसमें अगर मैंने कोई दावत शेयर की होगी, तो उसमें भी आप देखेंगे कि मेरे मायके वाले प्लस ससुराल वाले दोनों एक साथ ही आया करते हैं। तो हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई इशू नहीं है, आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि हम लोग मिस करते हैं। अभी भी हम लोग बाजी लोगों को मिस कर रहे थे, जब बाजी लोग आए थे ना, तो मम्मी इन लोगों को मिस कर रहे थे। तो बड़ा ये एक जो है ना लॉकडाउन और ये माहौल जो चल रहा है ना, बस इस वजह से सारा जो है ना सिस्टम ही बिगड़ के रह गया है। तो ऐसा ज़रूर बताना आप लोग कि आप लोगों के किस किस के साथ ऐसा होता है कि आप लोग साथ में करते हैं दावत, जिसमें आप अपने मायके वालों को भी बुलाते हैं, आप अपने ससुराल वालों को भी बुलाते हैं, और कौन कौन ऐसा है कि जो नहीं कर पाता है ऐसा, क्योंकि आपस में मिजाज नहीं मिल रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हमें अलग अलग बुलाना पड़ता है। क्योंकि काफ़ी लोगों को तो मैं जानती हूँ ऐसा है, खुद मैं अपने जो है ना काफ़ी उसमें देखती हूँ, तो मैं वहाँ नोटिस करती हूँ कि एक साथ नहीं हो पाता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है। और कुछ मेरी तरह खुशनसीब हैं जिन्हें दोनों तरफ का प्यार बराबर मिलता है, और आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं बिरयानी बना रही हूँ, और बड़ी अच्छी बिरयानी बनाई मैंने, बहुत ही मज़ेदार, बहुत दिल से बनाई। बट क्या हुआ कि वो आगे आप देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने अखनी भी बनाई, आपने देख लिया होगा सारा जो प्रोसेस है, प्याज फ्राई करके निकाल ली, फिर मैंने उसमें जो अखनी बनाई थी वो भूनी अच्छे से, ठीक है, फिर उसमें टमाटर भी डाले, हरी मिर्च भी डाली, गरम मसाले जो थे वो कूट के डाल दिए, ताकि अच्छी सी एरोमा जो होती है ना, उसकी बड़ी अच्छी सी फ्रेगनेंस होती है, वो उसमें होता रह आए।
और बहुत ही मज़े का ओवरऑल सारा कुछ अच्छा चल रहा था सीन। बट जो हुआ ना फिर ये, यहाँ पे मुझसे चावल जो हैं ज़्यादा देर भीग गए। हालांकि मैंने ये चावल कुकर में बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़बरदस्त। मैंने इसमें चम्मच भी नहीं चलाया, कुछ भी नहीं चलाया, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या हुआ कि हाँ, इन द एंड इसके जो है ना चावल का जो दाना होता है वो खिला खिला सा रहे और बड़ा सा हो साइज़ में तो अच्छा लगता है। बट जो है ना इसने दिल तोड़ दिया मेरा, सही बता रही हूँ। तो बस ये अफसोस हुआ मुझे। और जो हमारी कहती है ना मिस बम, अप्पी आप तो शेफ़ हैं बेटा, शेफ़ वेफ कुछ नहीं हूँ, चढ़ाया मत करो अप्पी को, अप्पी से भी गलतियाँ होती हैं। अच्छा ये सी गलतियाँ किस किस के साथ हुई हैं ये भी बताना, क्योंकि यार चावल जब टूट जाते हैं ना बिरयानी ख़राब होती है, बड़ा अफसोस होता है। इतनी मेहनत ऐसा लगता है बर्बाद हो गई। और स्पेशली जो है ना हमें सारा फोकस बिरयानी पर करना था, क्योंकि भाई जो है हमारा छोटा वाला तो उसे बिरयानी पसंद है और उसको उसमें खिलाना चाहते हैं। हालांकि उसे बहुत पसंद आया, अब उसने दिल रखने के लिए बोला है या जो भी है, लेकिन खैर मुझे तो अच्छा नहीं लगा, बस ये चीज़ है। चलो कोई बात नहीं, फैमिली वाले समझते हैं इस चीज़ को कि भाई जान मुझको तो कोई भी सामान ख़राब नहीं करेगा, लेकिन फील मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हुआ। और यहाँ पे मना रही हूँ, अच्छा इसे कहते हैं कुछ लोग दो लत्ती, मतलब हमारी सास जो हैं उसे दो लत्ती खीर कहती हैं, और हमारी जो भाभी हैं यास्मीन उनके यहाँ इसे शीर कहा जाता है। तो पता नहीं आप लोग जो भी समझ लें कह लें, और ज़रूर बताना आप लोग क्या कहते हैं इसे। तो यहाँ पर मैंने असली घी जो है ना घर का बना हुआ हमारा जो घी होता है उसमें मैंने थोड़ी सी सिवैया जो है ना उसको भून लिया अच्छे से। जब अच्छे से भून गई तो उसमें मैंने दूध डाल दिया, और ये मैंने 1 kg के करीब बनाई थी, क्योंकि हमारे घर पे ज़्यादा मीठा कोई नहीं खाता है, बस हम ही लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो इसीलिए मैंने बनाई थी ये। तो ज़रदा वगैरह तो अभी बनाया हुआ था, ज़रदा इसलिए नहीं बनाया, मुजाफिर भी नहीं बनाया क्योंकि मुजाफिर भी हमारे हस्बैंड को शदीद मीठा पसंद है। तो फिर मैंने कहा यही ईजी पड़ेगा, जल्दी से यही बना लेती हूँ। तो ये मैंने दूध इसमें डाल दिया है, और फिर उसके बाद जो हमारे चावल होते हैं राइस, उसको मैंने मिक्सर में अच्छे से बारीक पीस के धो के इसमें डाल दिया था। तो वो जितनी देर में पकेंगे उतनी देर में सिवैयाँ पकेंगी, और फिर हम शक्कर डाल देंगे, लास्ट में इलायची पाउडर डालेगा, मावा डाला था मैंने इसके अंदर, और ड्राई फ्रूट्स, दैट्स इट, बनकर रेडी हो जाती है। बड़ी मज़े सी, अच्छी खूब मज़े की बनी थी ये भी, बहुत ज़बरदस्त सी बनी थी, खूब अच्छा रबड़ी जैसा स्ट्रक्चर इसका मतलब लग रहा था, और मज़े की भी वैसी लग रही थी। जोहान जोहान क्यों रुक गया मैं? हाँ क्या कैट के लिए तो बैठ लगा। अच्छा अगर अपा जीते तो कैट जाएगी, पर अगर मैं जीती मैं उसको पाल लूंगी। चल कैट वेट का अभी बोला घर का मेरा प्यार क्या हो रहा है, सब लोग मिलके खेल रहे हैं। अरे यार शिट शिट क्या कर रहे हैं, हैं क्या कर रहे हैं जोहान? जोहान क्या कर रहे हैं? आप खेल रहे हैं? इधर तो देख लो, हाय कर दो हाय। अच्छा मिलेगी वाला पोज तुम भी कर दो, मिलेगी और यहाँ माशाल्लाह सारी रौनक थी, और साथ ही बच्चे जो है ना पूरा घर की तहस नहस कर रहे थे, तो बराबर उसको हम लोग सही भी करते जा रहे थे। सोफे कवर जो हैं वो एक जगह टिकते ही नहीं है यार, बहुत परेशानी होती है। कौन कौन परेशान रहता है हमारी तरह ज़रूर बताना, हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दिल चाहता है कि बस हम ये कवर उठा के फेंक दें बिछाएं ना। तो इंशाल्लाह आप जब फ्यूचर में सोफ़ा लेंगे ना तो वो ऐसे ही लेंगे जिसके कवर की ज़रूरत ना पड़े, और हम लोग इतना परेशान होते हैं ना ये कवर की वजह से, और बिना कवर के रख भी नहीं सकते हैं इन्हें। और यहाँ पे देखिए सारे लोग कितने अच्छे से बातचीत कर रहे थे, मैंने चुपचाप से सबका जो शूट कर लिया। और यहाँ पे चल रहा है गेम लूडो, लूडो खेला जा रहा है, कितने मतलब देखिए अब कितने ध्यान से दिल लगा के खेला जा रहा है। और ये देखिए ये हमारी बिरयानी बनकर रेडी हुई, लेकिन मतलब लग रहा है ना चावल हल्का सा टूटा टूटा सा लग रहा था, मतलब वैसा नहीं लग रहा था जैसे लगना चाहिए, जैसे मैं बना रही हूँ ना बराबर इतने टाइम से, इतना अच्छा बन रहा है ये चावल। बट पता नहीं क्या हुआ उस दिन जब दिल से बनाया, कई बार दिल से बनाई हुई चीज़ होती है ना वो बहुत बिगड़ती है, ये चीज़ तो है। और बैकग्राउंड में देखें आप कितना कदर कर रहा है मिट्टू भी,
बराबर ऐसे भी बोलना है कि वॉइस ओवर में भी करूँगा। वही देखिए हमारा कोरमा बनकर रेडी हो गया है, हर धनिए से इसको गार्निश करेंगे। और सारी जो दावत का अहतमाम किया था कुछ इस तरह से किया था, सारी चीज़ें मैंने दिन में बुलाया था कि ताकि मैं इडली और ये सब भी खिला सकूं, बट वो लोग दिन में नहीं आए क्योंकि घर जाते हैं इतना कुछ वो लोग खिलाते हैं हमें हमेशा, लेकिन मुझे इतना मौका नहीं मिल पाता है कि मैं यास्मीन को बाकी भाइयों को सबको खिलाऊँ क्योंकि वो लोग तो बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। होता है यार, हर लड़की के साथ होता है कि मायके में जाके हम बहुत दावत उड़ाते हैं क्योंकि मायके में हम ज़्यादा जाते हैं बजाय इसके कि हम अपने घर वालों को मायके वालों को कम बुलाते हैं, तो ये चीज़ तो होती है। तो बहुत सी लड़कियों को दिल चाहता है, मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं भी अच्छे से मतलब बुलाऊं, दावत करूं सारी चीज़ें। तो और कौन कौन ऐसे हैं जिनके अरमान ऐसे रहते हैं ज़रूर मुझे ये भी बताना। कितने सारे सवाल पूछे हैं आज, तो सारी चीज़ें बता ही देना आप लोग। और यहाँ मैं सर्व कर रही हैं और मैं पूछ रही थी कैसा बना है, तो बता रहे थे भाई कि हाँ अच्छा बना है, मज़े का लग रहा है। और मैं कह रही थी सब लोग आके बेटा बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था, इसलिए मैंने इसकी आवाज़ जो है ना साउंड मतलब ऑफ़ कर दिया है। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो अब ये सब इतना बुला रहे हैं तो थोड़ा सा मैं एक आधने वाला खा लेती हूँ बैठ के, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा बार आपको बोले और आप ना बैठें। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, आप लोग भी आई होप इंजॉय कर रहे होगे, बोर नहीं हो रहे होगे। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा जो जो मैंने पूछा हुआ है, और कैसा लगा आज का वीडियो ये भी बताइएगा मुझे। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो इंस्टाग्राम है वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सब कुछ वहाँ के लोगों को पहले पता चल जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और कैसी लगी आपको मेरी प्यारी सी स्वीट सी फैमिली ये भी बताइएगा ज़रूर से ज़रूर। और सारे लोग अब जा चुके हैं और ये सारा सामान जो बचा हुआ था सब कुछ मुझे उठा के रखना था, और इतना छोटा पड़ जाता है ना आफ्टर दावत के, थोड़ा थोड़ा सा ही सामान होता है लेकिन हमें रखना होता है ना, तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि अब हम उसे कैसे रखें कहाँ रखें, और बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो चलो ये सारा सामान जो है मैं समेटूंगी रखूंगी उठा के, और जो हमारे बर्तन रह गए हैं बाकी तो जो है अम्मी यास्मीन लोग वॉश करके गए थे, और अब जो ये खाली करूंगी ये सारे मैं धोऊंगी। और चलिए मिलती हूँ मैं आपसे ये सब काम निपटा के। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, यहाँ पे